हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी IQ। आज से हम GK सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SSC, CGL, CHSL, बैंक PO, RRB, UPSC, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रेलवे पर रहेगा, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट इनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम ये GK सीरीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता जी वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, यानी कि अपर हाउस? राज्य विधानमंडल का अपर हाउस कौन सा है? है विधान परिषद। और आपको पता ही होगा लोअर हाउस कौन सा होता है, वो होता है आपका विधानसभा। फोर्थ क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। नॉर्मली सबको पता होता है जो इलेक्शंस होते हैं हमारे स्टेट्स में, वो कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, संसद किसी राज्य में कब विधान परिषद स्थापित या लोप कर सकती है? अगर किसी राज्य की विधानसभा की पूर्ण बहुमत और उपस्थिति, ये क्वेश्चन क्या है, यानी कि संसद किसी राज्य में कब विधान परिषद स्थापित कर सकती है? इसका मतलब है जो हमारे यहाँ इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, सभी यहाँ जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों नहीं है, या तो विधानसभा होती है या विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। सिर्फ हमारे यहाँ 6 स्टेट्स ही ऐसे हैं, और एक जम्मू कश्मीर, उसका अलग थोड़ा वो बाद में बताऊँगा मैं आपको। 6 स्टेट यहाँ ऐसे हैं कि जिनके यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं रेस्ट ऑफ स्टेट्स में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो वो 6 स्टेट्स कौन से आपके, वो मैं आपको इन सब के लिए मैं पॉलिटी में एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो आप इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। 6 स्टेट्स हैं जिसमें यूपी, बिहार, ये AP है वगैरह हैं, और जम्मू कश्मीर में भी है J&K, लेकिन वो उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी हमारे यहाँ सिर्फ ये है, इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, बाकी सब में केवल विधानसभा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग, हमारा इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। 7th क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI। ये CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमारा जो इंडिया का चीफ जस्टिस है कौन है, वो है जी आपके दीपक मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किन प्रस्तावक व अनुमोदक की आवश्यकता होती है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ, ये जो कितने प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। हिंदी में शायद ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको सरल तरीके में समझा देता हूँ। आपके जो हैं 50 कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो आपके सपोर्ट में हों, और 50 जो जिनके लिए साइन चाहिए होते हैं जिनके, उनको यहाँ इन वर्ड से जो है डिपिक्ट किया गया है कि आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ज़रूरत होती है अगर आप वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव वही कंटेस्ट कर सकते हैं जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है जी, वो होती है 15,000 रुपये। ये अब 15,000 रुपये कर दी गई है। ये जमानत राशि क्या होती है, ये आपको पता हो, ये जमानत राशि की ये होती है कि एक तय वोट होते हैं कि अगर इतने वोट आपको नहीं प्राप्त कर सके तो आपकी जो जमानत है वो राशि को जब्त कर ली जाएगी, वो आपको फिर वापस नहीं मिलेगी,
लेकिन जो तय वोट है उनसे अगर आपकी उनको कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे ऊपर आपके वोट आ रहे हैं, तो आपको इलेक्शन के बाद वापस कर दी जाती है। तो ये राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? ये होती है 15,000 रुपये। 10th क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जी वो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि फिर से वही आपका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है? मैंने पहले भी बताया था आपको, दीपक मिश्रा। तो ये ना आपको मैं जो क्वेश्चंस में अलग क्वेश्चंस आते रहेंगे वो मैं साथ साथ आपको बताते रहेंगे, जिससे वो आपको याद हो जाएगा कि अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो दीपक मिश्रा जी हैं। 11th क्वेश्चन, USA का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ, 2 बार। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जी आपके बराक ओबामा। बराक ओबामा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इसे अब कुछ लोग सोचते होंगे उनमें तीसरी बार वो क्यों नहीं हो गए, लेकिन ये ना वहाँ की पॉलिसी है, आप सिर्फ 2 बार ही वहाँ का चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी बार आपको मतलब ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो, तीसरी बार आप नहीं लड़ सकते, सिर्फ 2 बार ही वहाँ की सीमा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यहाँ यह है था उपराष्ट्रपति, ये स्पीकर की बात हो रही है यहाँ पे, राज्यसभा का कौन है तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किन शहरों में मेट्रो ट्रेन चली हुई है? दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके है, कि इंडिया में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो दिल्ली में चलाई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहली ट्रेन हमारी कोलकाता में चली थी मेट्रो ट्रेन। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन किसने, ये देखिए आ गया अगला क्वेश्चन, यही है कोलकाता, ध्यान रखना ये दिल्ली नहीं है। मैं भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी। कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई थी? तो ये है एस्प्लोनेड और भवानीपुर के मध्य। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एवं एशिया की सबसे पहली मेट्रो परियोजना कौन सी थी? यहाँ पे आपकी दिल्ली मेट्रो परियोजना आएगी। ये देखिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एंड एशिया की सबसे पहली मेट्रो परियोजना कौन सी थी? तो वो दिल्ली मेट्रो परियोजना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था? तो कांडला बंदरगाह है ये जो पोर्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कांडला बंदरगाह। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गांव की एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना, किस नाम भारत निर्माण योजना थी, प्रारंभ करने की योजना कब शुरू की गई है? 16 दिसंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो इसका नाम, उनका नाम था डिमला रोजेर। ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति डिमला रोजेर, याद करने क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? तो ये एटली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम यहाँ पे कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? तो उनका नाम था एटली। आगे चलते हैं, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? 1942 में, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इसको। और किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? आंसर है आपका 1885 में। भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 में। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये प्रेसिडेंट रहे थे और वाइस प्रेसिडेंट रहे थे पहली योजना में, और दूसरी योजना में ये प्रेसिडेंट थे, यानी कि 1962 से लेकर 1967 तक ये प्रेसिडेंट भी थे, सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया के, फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? जी 17 अप्रैल 1975। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 15 अगस्त 2005
2014 को स्वतंत्रता दिवस के दिन इसको समाप्त किया गया था। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23, और जो हमारा 23rd पेयर होता है ना, उसी से डिसाइड होता है मेल और फीमेल का। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? स्वीडन। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह, यानी कि अगर संसद अपनी स्वीकृति दे देती है तो उसके पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक हम लगा सकते हैं। उत्तरी अमेरिकी देश डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है? सेंट डोमिंगो। संगीत राज और संगीत मीमांसा की रचना किस राजा ने की थी? महाराणा कुंभा ने। कोका कोल्ट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभवर्ण। किस शासक ने अवंती नगर नामक नगर को बसाया था? तो ये इन्हीं के नाम से मिलता जुलता है, अवंती वर्मन। जो राजा थे अवंती वर्मन, उन्होंने ही अवंती नगर नामक शहर को बसाया था। आगे चलते हैं, कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्पल वंश का। किस वर्ष बौद्ध धर्म हो गए सभा आयोजन सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में किया था? 643 ईस्वी में। कन्नौज पर हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किस शासक का शासन हुआ? यशोवर्मन। ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। आंसू का प्रवेश द्वार बाब अल माउंड जल्ड मरु मध्य है, थोड़ा बहुत टिपिकल है ये। मोतियों का द्वीप बहरीन, बहरीन को मोतियों का द्वीप बोला जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बालकन को बोला जाता है। लैंड ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन। श्वेत नहर बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया को श्वेत नहरें बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, तो प्रथम ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता सत्यजीत रे। प्रथम फिल्म निर्माता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सत्यजीत रे। देखिए, इनका इंडियन सिनेमा में काफ़ी योगदान रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जिन्हें हम कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जिसे डिजिटल तकनीक द्वारा रंगीन किया गया, मुगले आजम। 70 के दशक की काफ़ी अच्छी फिल्म ये मानी गई है। पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? 18 मई 1974। डुरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच में है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? NH24। ये नेशनल हाईवे 24 जो है किन दो राज्यों को जोड़ता है? राज्य तो हम बोल सकते हैं कि यूपी और दिल्ली को जोड़ता है, कि लेकिन ये मेनली दिल्ली और लखनऊ के बीच इन दोनों को जोड़ता है। तो चलिए गाइज, मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी जीके के ऊपर या फिर इंग्लिश या जीके में कोई भी वीडियो, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपको चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बहुत जल्दी जल्दी लाने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।